रम्पेलस्टिल्टस्किन। एक दफा का जिक्र है, एक घने जंगल के पास एक छोटी सी रियासत थी। जंगल में जिन भूतों की कहानियां मशहूर थी, लेकिन रियासत के रहने वाले लोग एक नौजवान अकलमंद बादशाह की बादशाहत में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पे एक गरीब किसान अपनी प्यारी और खूबसूरत बेटी के साथ रहता था। किसान बहुत शेखी बाज था और हर बात को बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताता था। उसने काफी लोगों को बेवकूफ बनाया था और उसकी शिकायत बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने उसको सबक सिखाने का फैसला किया और उसको अपने दरबार में बुलाया। बादशाह सलामत, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं आपको अपने और अपनी बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ। जरूर बताओ अपने बारे में। मेरी जो बेटी है दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। उसकी खास बात यह है कि वो भूसे से सोना बना सकती है। ये तो वाकई काबिले तारीफ हुनर है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी ही होशियार है तो उसको हमारे पास लेकर आओ ताकि हम उसे आजमा सकें। जी बिल्कुल बादशाह सलामत, बिल्कुल। किसान ने घर जाके सारा किस्सा अपनी बेटी को बताया। मैंने हमेशा आपको झूठ बोलने से मना किया है, अब आप अपने झूठ में खुद फंस गए हैं। किसान अपने किए पे शर्मिंदा था। वो दोनों आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए महल की तरफ चल पड़े। खुशामदीद लड़की, तुम वाकई उतनी ही खूबसूरत हो जैसे तुम्हारे बाप ने बताया। उम्मीद है कि तुम भूसे से सोना निकाल लोगी। अब बिना वक्त जाया किए आओ, चलो मेरे साथ। बादशाह उसे एक भूसे से भरे हुए कमरे में ले गया और साथ ही एक चरखा भी दिया। अब तुम भूसे से सोना बनाना शुरू कर दो, और अगर सुबह तक तुमने भूसे से सोना नहीं बनाया तो तुम्हें और तुम्हारे वालिद को खत्म कर दिया जाएगा। ध्यान रखना कि ये कहीं भाग ना जाए, समझे? बेचारी किसान की बेटी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो खौफ के मारे रोने लग गई। अचानक वहाँ एक रोशनी चमकी और एक बोना नमूदार हुआ। किसान की बेटी, क्यों रो रही हो? ओह, मुझे आज की पूरी रात के अंदर अंदर इस भूसे से सोना तैयार करना है, लेकिन मुझे ये नहीं आता। अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें अपने गले का हार दे सकती हूँ। बोने ने वो हार ले लिया और चरखे के सामने बैठ गया। वर 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 और तीन बार चरखा घुमाने में डब्बा भर गया। उसने फिर से तीन बार चरखा घुमाया, वर 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 और फिर से डब्बा भर गया। इसी तरह सुबह तक चरखा घूमता रहा और सारे डब्बे सोने से भर गए। सारा का सारा भूसा सोने में तब्दील हो गया था और डब्बे सोने से भर गए। शुक्रिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? बोना हंसा और पलक झपकते ही गायब हो गया। सुबह होते ही बादशाह कमरे में आया और सोना देख के हैरान हो गया। अरे वाह, ये तो सच हो गया। मैंने तो सोचा था तुम्हारा बाप तो शेखीबाज है, झूठ बोलता है। अब तुम जाओ, आराम करो, मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ। किसान की बेटी ने सोचा कि बादशाह उसे इनाम देगा और उसे घर जाने की इजाज़त दे देगा, मगर शाम में लालची बादशाह उसे दूसरे कमरे में ले गया जो पहले कमरे से भी बड़ा और भूसे से भरा हुआ था। अगर तुम अपनी और अपने बाप की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें इस सारे भूसे को आज रात सोना बनाना होगा। लड़की को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो फिर से रोने लगी। फौरन ही वो बोना फिर से नमूदार हुआ। ऐ लड़की, मत रो। अगर मैं ये सारा भूसा सोने में तब्दील कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी?
लड़की ने थोड़ी देर सोचा और उसकी नज़र अपने सोने की अंगूठी पर पड़ी, जो उसके पास देने के लिए आखिरी कीमती चीज थी। ये अंगूठी ले लो। बोने ने अंगूठी ली और चरखा काटने लगा। सुबह तक सारा भूसा सोना बन चुका था। और सुबह तक सारा का सारा भूसा फिर से सोना बन चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आप अपना नाम बता दें। बोना फिर हंसा और गायब हो गया। बादशाह कमरे में दाखिल हुआ और ये मंजर देख के उसकी खुशी की इंतहा न रही। ओह वाह, तुम हमारी रियासत के लिए तो एक तोहफा हो। मेरे पास तुम्हारे हुनर की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। अब तुम जाओ, आराम करो, हम शाम में मुलाकात करेंगे। सूरज गुरूब होते ही बादशाह लड़की को फिर से एक कमरे में ले गया, जो पहले से भी बड़ा और भूसे से भरा हुआ था। इसे भी आज रात में सोना बना दो, और अगर तुम कामयाब हो गई, तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूँगा। मुझे तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं मिल सकता इस दुनिया में। जैसे ही बादशाह कमरे से गया, बोना तीसरी बार नमूदार हुआ। इस बार भी अगर मैं इस भूसे को सोना बना दूं, तो तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, रोना बंद करो। तुम मुझसे वादा करो कि जब तुम मलका बन जाओगी, तो अपनी पहली औलाद मुझे दे दोगी। उसकी बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो बच्चू, अब तुम अपना वादा याद रखना। मैं वादा करती हूँ। बोने ने तेजी से सोना बनाना शुरू कर दिया। सारा भूसा सोने में तब्दील हो गया। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, उसने कैका लगाया और गायब हो गया। सुबह जब बादशाह आया, तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। अरे क्या बात है, तुमने तो अपनी बात सच कर डाली। कल मैं तुमसे शादी करूँगा। किसान की खूबसूरत बेटी मलिका बन गई। एक साल में उसके यहाँ एक औलाद हुई, लेकिन वो बोने से किया हुआ अपना वादा भूल गई थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेली थी, तो अचानक से बोना नमूदार हुआ। क्या तुम अपना वादा भूल गई मलका? मुझे अपना वादा याद है, लेकिन मुझे अपनी औलाद से बहुत प्यार है। क्या तुम मुझ पे एक मेहरबानी कर सकते हो? देखो, अब मैं मलका हूँ। सिवाय मेरी औलाद के तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। तुम अगर मुझे दुनिया के सारे खजाने भी दे दो, तब भी मुझे बच्चा ही चाहिए। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मेरी औलाद को छोड़ दो। प्लीज मेरी औलाद को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। बोने को उस पे तरस आ गया। उसने अपना नाम बूझने की शर्त रखी। चलो एक काम करते हैं, 3 दिन का वक्त देता हूँ, तुम मेरा नाम बूझ के बताओ। अगर तुमने 3 दिन में नाम नहीं बताया, तो तुम्हारी औलाद मेरी। शुक्रिया नन्हे बोने, मैं वादा करती हूँ, मैं आपका नाम जरूर पता लगा के रहूंगी। अच्छा चलो, तो फिर मैं कल दोबारा आऊंगा। सारी रात मलिका वो सारे नाम याद करती रही जो उसने सुने थे। अगले दिन उसने एक कासिद भेजा और भी नाम मालूम करने के लिए। बोना फिर आया। तो तुमने मेरा नाम बूझ लिया कि नहीं? अच्छा तो ये बताओ कि क्या तुम्हारा नाम कैस्पर है? नहीं, मेरा नाम नहीं है। क्या तुम्हारा नाम मिल्कोयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेल्थजार? नहीं। मलका ने एक के बाद एक वो सारे नाम बताए जो वो जानती थी,
और उस फहरिस्त से भी नाम बताए जो कासिद ने जमा किए थे, लेकिन बोना हर नाम के बाद हंसता और कहता, नहीं अच्छा भाई आज के लिए इतना काफी है, तो मैं कल आऊंगा, कल के लिए तैयार रहना। दूसरे दिन मलिका ने आसपास की रियासतों से अनोखे और अजीबोगरीब नाम मालूम करने के लिए भेजा। बोना शाम में नमूदार हुआ, मलिका नामों की फहरिस्त के साथ तैयार थी। शायद तुम रोस्ट रिब्स हो? नहीं भाई नहीं। शीप शैंक्स? गलत गलत। स्पिंडल शैंक्स? नहीं। मलिका ने सारे नाम बताए, मगर हर नाम के बाद बोने ने इनकार कर दिया। मलिका कल आखिरी दिन है और मुझे नहीं लगता कि तुम कल अपनी औलाद को बचा सकोगी। मलिका बहुत परेशान हो गई, लेकिन तीसरे दिन उसके कासिद ने कुछ अनोखा बताया। मलिका अलिया, मैं कोई नया नाम तो नहीं ढूंढ सका, मगर जब मैं जंगल से गुजर रहा था, मैं एक पहाड़ के पास पहुंचा। वहां करीब ही एक छोटा सा घर था जिसके सामने आग जल रही थी और उसके गिर एक अजीब सा बोना नाच रहा था। वो एक पैर पर उछल उछल कर एक गाना गा रहा था। आज चढ़ाऊ कल पकाऊ, मलका की बच्ची को खूब सताऊ, किसको क्या है खबर, मैं हूँ रंपल स्टिलस्किन। अरे वाह, तुम सोच नहीं सकते मुझे कितना सुकून मिला है ये जान के। मलिका ने फौरन अपने गले का हार कासिद को इनाम के तौर पे दिया। कुछ देर बाद बोना फिर नमूदार हुआ। अच्छा तो मलिका मेरा नाम बताओ। क्या तुम्हें जैक कहते हैं? नहीं। क्या तुम्हें हैरी कहते हैं? नहीं 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 नहीं। तो फिर शायद तुम्हारा नाम रंपलस्टिल्सकिन है। किसने बताया? किस शैतान ने बताया मेरा नाम तुमको? उसने गुस्से में अपना दायां पैर इतनी जोर से जमीन पर मारा कि वो घुटनों तक जमीन में धंस गया। उसने अपना दूसरा पैर इतनी जोर से खींचा कि वो टूट गया और इस तरह रंपलस्टिल्सकिन का खात्मा हो गया। और फिर मलिका अपने बच्चे और बादशाह के साथ हंसी खुशी रहने लगी।